अभी हम जा रहे हैं ज्वालामुखी की तरफ। वहाँ से कॉल आई थी एक रेस्क्यू के लिए, जो डॉग है उसके गले में वायर ट्रैप फंसी हुई है, काफी दिन पुराना घाव है, इस वजह से अंदर तक जा चुका है वायर और काफी उसको मैगेट्स भी हो सकते हैं और घाव भी बहुत गहरा है, इसलिए हम उसको यहाँ पर शिफ्ट कर रहे हैं। हमने पहले ही कॉलर से डिस्कस कर लिया था, बहुत मुश्किल से उन्होंने उस डॉग को एक कमरे में बंद किया। इसी वजह से ये जो रेस्क्यू है सक्सेसफुल हो पाया। मैंने सुबह जब रोटी खिला रहा था, मैंने देखा डोडो को चोट लगी हुई थी। सर ये जो चोट है वो पहले से ही थी जब ये आया था। वेट, ये आई थी तो इसके ऊपर एक ऑलरेडी ना ऐसे हार्ड स्किन बना हुआ था। वेट, ये चोट पहले से थी? मतलब जो टेक्सचर था स्किन के ऊपर, वो जो फॉर्म हुआ था ना हीलिंग, वो लेयर जो फॉर्म हो जाती है वो थी, हमने उसको रिमूव किया ताकि हीलिंग अच्छी हो सके इसकी। यहाँ पे स्क्रैचेस और ये गिरा भी है ना थोड़ा सा, तो ये थोड़ा सा आपको ज्यादा दिख रहा है अभी। अब यहाँ पे हमारे यहाँ एनिमल्स हो रखे हैं बहुत सारे, तो मैं आपको थोड़ी देर में हॉस्पिटल का अपडेट भी दूंगा। तो जब यहाँ से सारे जो रिकवरी वाले एनिमल्स हैं हमारे नए हॉस्पिटल में शिफ्ट हो जाएंगे, फिर ये जगह सिर्फ रेजिडेंट एनिमल्स के लिए रह जाएगी और इनके पास थोड़ा घूमने फिरने के लिए ज़्यादा जगह होगी, और तभी गिरेंगे जब ये एक दूसरे को इंटेंशनली धक्का मारेंगे। अभी तो ट्रैफिक जैम की वजह से ये गिर रहे हैं। पिछली अपडेट में हमने बताया था कि अगर इस हफ्ते नटखट अडॉप्ट नहीं होगा तो हमें उसे अनफॉर्चुनेटली रिलीज़ करना पड़ सकता है, लेकिन नटखट का लक इतना अच्छा निकला कि वो कल ही अडॉप्ट हुआ है। हमारे पास में ही दरगेला नाम के एक एरिया में अश्विन जी और उसके फैमिली ने उसे अडॉप्ट किया है। बेटी जी बारी बारी बीच में आ रही है क्योंकि इसका एक ज़रूरी अपडेट है जो हमने आपको देना तो पिछले हफ्ते था पर हमें खुद कन्फर्म नहीं था। आप देखेंगे इसका यहाँ पर एक पैच बना हुआ है क्योंकि इसका अल्ट्रासाउंड हुआ है। कहाँ से शुरू करें, भाई साहब से? भाई साहब यहाँ पे आए थे, भाई साहब एक गोट हैं जिसकी कास्ट्रेशन नहीं हो रखी थी और हो भी नहीं सकती थी क्योंकि शायद उसको गैंग्रीन था। सर हाँ, इन्फेक्शन था बहुत ज़्यादा पैर में क्योंकि जो घाव था बहुत पुराना था, तो हम उसको बांध के रखते थे और बेटी जी भी जब यहाँ पे होती थी तो सेपरेट होती थी, पर किसी दिन शायद ये खुल गई और हमने हाल ही में नोटिस किया कि भाई इसका अल्ट्रासाउंड कराना चाहिए, शायद ये प्रेगनेंट हो एंड आर फीयर्स वर ट्रू, ये प्रेग्नेंट है। तो वैसे तो हमें अबॉर्ट कर देना चाहिए क्योंकि भाई जब यहाँ पे एक जानवर जन्मेगा तो यहाँ पे बाहर से किसी जानवर को इलाज के लिए लाने के लिए एक जगह कम हो जाती है, पर इस समय अगर हम अबॉर्ट करते हैं तो इसकी प्रेगनेंसी 5 मंथ्स की होती है। ऑलरेडी इसके 2 मंथ्स हो चुके हैं जो कि अल्ट्रासाउंड में पता चला। हमें इसलिए नहीं पता चला था क्योंकि ये ग्रेजिंग के लिए ये लोग फुल डे लगभग बाहर रहते हैं। पकड़ में लेट आया जी, ग्रेजिंग के लिए ना जाती होती तो भी ये इतनी मोटी है हमें कहाँ ही इसका पता लगता। तो बहुत ही जल्द हम आपको एक बेबी गोट से मिलवाएंगे। ये कौन बैठ गई? अरे सर ये ऐसे ही बैठना प्रेफर करता है, ये मेल है, है ना, ये ऐसे ही रहता है। आप इसको यहाँ वहाँ कहीं भी रख दो, बांध दो, वो लेट ही जाएगा एनी टाइम। चिल है ना वैसे? हाँ हाँ चिल है, थोड़ा ड्रामा है। हाँ बिकॉज मैं उसके बाद डर गया यार, पीछे जो है तुम्हारी झिलमिल ग्लिटर जब उस दिन बैठी थी हाँ। तो उस दिन तो बांस वांस लगा के उठाया है सब कुछ हाँ। तो अभी वो ठीक है? नहीं सर, अगले दिन वो खुद से उठी है और चली है, पूरा दिन ठीक था हाँ। उसके बाद से फिर वो बैठी है, हमने उसकी ट्रीटमेंट तो जारी रखी हुई है लेकिन वो अभी तक दोबारा उसने खुद से अपने बॉडी वेट नहीं वो किया। तो वो कितने दिन से बैठी है? अराउंड 3 डेज ऑलरेडी हो गए ना साहिल, 3 डेज हो गए ना, नहीं उठ रही है बिल्कुल। तो लार्ज एनिमल्स का क्या है, जब ये नहीं उठते ना तो ये इतने भारी होते हैं, अपने पैर के ऊपर बैठ जाते हैं, इनकी सर्कुलेशन कट ऑफ हो जाती है, पैर काम करना कम कर देते हैं, बंद कर देते हैं, उठना और मुश्किल हो जाता है। तो जितना ये बैठे रहते हैं प्रोग्रेसिवली इनके उठने के चांसेस उतने कम होते जाते हैं, और जब ये बैठे रहते हैं तो इनके लागे लग सकते हैं, मतलब स्किन वहाँ से गल सकती है जहाँ एक साइड से बैठे हैं। तो हम उसको पलट तो रहे हैं ना, बट इनकी जो डाइजेस्टन है ना वो भी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है जब ये बैठे रहते हैं। मैं और बेटी जी अब जा रहे हैं अस्पताल वाली साइड पे, आपको वहाँ का टूर दे रहे हैं। चलो बेटा चलें, चल 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 चल। दौलत राम जी बंद करोगे? बंद कर दो, बंद कर दो, ये डर रही है ना। हो गया हो गया हो गया हो गया। मैं अस्पताल के बारे में आपको एक सेकंड में बताता हूँ। ये जो नेक वाला केस आया है जिसके कट लगा हुआ है पूरा, इसका नाम रखा है आप लोगों ने? नहीं सर। अभी मिल सकते हैं? नहीं सर, बहुत स्ट्रेस में है डॉग और जैसे ही वो बाहर देखता है दूसरे एनिमल्स को बहुत ज़्यादा जोर से बार्क करने लगता है कंटिन्यूसली। ये जो हमारे पास डॉग आया है इसकी नेक में तार बंधी हुई थी और ये पिक ट्रैप वाला ही है? हाँ जी।
इसको फाई कहते हैं यहाँ लोकल भाषा में। लोग क्लच वायर का एक ट्रैप बनाते हैं जिसमें सुअर फंसाने के लिए वो करते हैं ताकि वो खा सके उनको, और इसी में डॉग्स भी फंस जाते हैं, गाय भी फंस जाती है, बड़ी बड़ी पैर वगैरह भी कटा है। इलीगल है पर लोग मानते नहीं है, भाई क्या करें, मीट तो इन्होंने खाना ही है। इसकी रिकवरी काफ़ी अच्छी चल रही है क्योंकि हमने वूंड अच्छे से साइड से सारा कुछ शेव करके वूंड अच्छी क्लीनिंग हुई थी, मैगट्स पहले ही दिन साफ़ हो चुके थे और एंटीबायोटिक्स अच्छे से चल रहे हैं, तो हो रहा है हीलिंग उसका। और ये भी एज़ यूजुअल सिर्फ राधा दी से ट्रीटमेंट कराता आराम से। बहुत अग्रेसिव है, यहाँ लाने के बाद भी उसको ट्रीटमेंट के लिए सिडेट करना पड़ा ताकि अच्छे से ट्रीटमेंट हो पाए। हमारे पिछले हफ्ते भी हमने कहा था कि कुछ कॉलर्स हैं जो काफ़ी हेल्पफुल रहे, अब की बार भी ये ज्वालामुखी से इन्होंने काफ़ी हेल्प करी। एक और डॉग आया मंडी से, मंडी कोई सब्जी मंडी नहीं, मंडी हिमाचल का ही एक डिस्ट्रिक्ट है। तो ये जो लोग हैं वो खुद रेस्क्यूज करते हैं और काफ़ी अच्छे से ट्रीटमेंट ऑन स्ट्रीट ही कर लेते हैं, लेकिन जो कुछ केसेस होते हैं जिनको रेस्ट की ज़रूरत होती है और उनके पास जगह नहीं है। तो मैंने भी छोटा सा वो चलाया हुआ अपना हिमाचल जीव कल्याण से ना, जैसे कि पपीज वगैरह स्ट्रीट वगैरह उनको अडॉप्शन करवाना, जितने भी ये जैसे मेरे को कहीं पे कॉल आ जाती है तो मैं उनको देख लेता हूँ थोड़ा बहुत। अब जैसे ये जो केस है उसमें पिछले दोनों पैर में फ्रैक्चर्स है, एक में माइनर फ्रैक्चर है वहाँ पे प्लास्टरिंग हो चुकी है, और एक जहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा फ्रैक्चर हुआ है वहाँ पे पिनिंग सर्जरी हुई है, लेकिन क्योंकि केज रेस्ट नहीं मिल पा रहा था वो पिन डॉग के मूवमेंट की वजह से बाहर निकल गई मसल से, वहाँ पे इन्फेक्शन बढ़ने लगा, पस बढ़ने लगी, तो फिर उन्होंने हमसे कॉन्टैक्ट किया और थोड़ा सा केस का सीरियसनेस देख के, और वो लोग कोऑपरेटिव हैं काफ़ी ज़्यादा, वो वापस ले भी जाएंगे डॉग को आराम से। हमने उसको लिया हुआ है पालमपुर भेजा आज ताकि एक्सरे हो जाए, सीनियर डॉक्टर्स से भी थोड़े से सजेशन मिल जाएंगे तो हम आगे प्रोसीड कर सकते हैं। ये जो टूटी हड्डी वाले केसेस होते हैं ना, इसके लिए मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट करना बड़ा ज़रूरी है ताकि भाई हड्डी जुड़ सके, खासकर अगर पिनिंग हो रखी है, जो कि स्मॉल एनिमल्स में तो भाई आप कोई केज वगैरह लेके उसमें रख सकते हैं, केजेस मिलते हैं रेगुलर जो नीले से केज आते हैं तो उसमें रखे तो लगता है कि भाई बड़ा क्रूअल है उसको छोटे से केज में रखा हुआ है, पर वो उसकी हीलिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। लार्ज एनिमल्स में ये मुश्किल है भाई, आप उन्हें किसी केज में तो रख नहीं सकते, इसीलिए लार्ज एनिमल्स में हड्डी का थोड़ा हमारा मुश्किल ही रहता है ना। गजराज हमारे पास शाहपुर से आया था, उसकी पिछली टांग पे हील फ्रैक्चर था और अंदरली साइड एक जख्म भी था। हम डेली ड्रेसिंग उसकी कर रहे थे अच्छे से और उसी दौरान दो तीन दिन बाद वो बैठ गया। उसमें एनर्जी डेफिसिट तो था ही, नेगेटिव एनर्जी बैलेंस भी था, तो हमने इसके सप्लीमेंट शुरू कर दिए और उसको उठाते थे थोड़ा सा पोर्ट से तो उड़ जाता था, और उसके सप्लीमेंटेशन के 3-4 दिन बाद वो बैठ ही गया, बिल्कुल उठ भी नहीं पा रहा था। उसके जख्म में इन्फेक्शन बढ़ता गया, पस हो गई और वो बोन से रिलेटेड होने की वजह से बॉडी में फैलता गया धीरे धीरे, जिसकी वजह से उसकी डेथ हो गई। हमने मचियाल से भी एक डॉग रेस्क्यू किया, इसे भेजा तो गया था स्पेस सर्जरी के लिए, लेकिन जब डॉग यहाँ आई तो हमें पता चला कि इसको पेट में एक ट्यूमर भी है जो ऑलरेडी बर्स्ट हो चुका था, इसमें मैगेट्स भी लग चुके थे। डॉग बहुत बूढ़ी होने के बावजूद भी बहुत ज्यादा शैतान है, अग्रेसिव भी हो जाती है और ट्रीटमेंट के दौरान काफी दिक्कत आती है। इसकी ट्रीटमेंट वैसे तो शुरू हो चुकी है और अभी इसको कुछ टाइम लगेगा हील होने में। स्पेस सर्जरी इसकी हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि बहुत ज्यादा ओल्ड है, कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। होपफुली डॉग अच्छे से रिकवर होके यहाँ से अपने एरिया वापस जा सके। नरगिस है कहाँ पे? डार? हाँ जी, डार भेजा उसे स्पेस सर्जरी के लिए। ओके, बाय द वे नरगिस की रिकवरी आप देखेंगे तो अमेजिंग रिकवरी उसका, तो पूरा एकदम बहुत सुंदर लग रही है, स्पे भी हो गई, तो इसको अडॉप्शन के लिए जाएंगे रिलीज? सर अगर केसेस करने हैं तो रिलीज करना ही बेहतर ऑप्शन है अभी। तो प्लीज अगर आप इसको अडॉप्ट करना चाहते हैं तो 9882161677 हमारा नंबर है। बाय द वे जो डार पे WBS का कैंप है वो खास जो शायद की होल सर्जरी कहते हैं उसको उस हिसाब से कर रहे हैं जिसमें जो इंसिजन है छोटा होता है उससे पोस्ट ऑप टाइम रिड्यूस हो जाता है, पर फिर भी हम उन्हीं डॉग्स की सर्जरी कर रहे हैं जिनके केयर टेकर हैं भी, ताकि कोई प्रॉब्लम हो तो हमें इत्तला तो वो कर दें। देवी उसको भी आप भेजेंगे? देवी को अभी तो नहीं भेज सकते तुरंत क्योंकि वो अभी पूरी तरीके से रिकवर नहीं कर। एक सेकंड, सॉरी, देवी का मैं आपको बता दूं, अगर आप पहली बार हमसे जुड़े हैं, हमारे यहाँ एक क्रुएल्टी केस आई थी जिसके सर पे किसी ने दराज से वार किया था, उसका बचना बड़ा मुश्किल था पर इन लोगों ने उसको किसी तरह बचा लिया है क्योंकि वॉलंटियर टाइम देते हैं ना, उसको रोज निकालते ही हैं, लेकिन अभी भी बॉडी वाइज पूरी तरीके से रिकवर नहीं कर पाई है, बहुत कमजोर है सर, वो भी अडॉप्शन में ही रहेगी हमारे पास। तो अगर वो नहीं अडॉप्ट होती तो फिर वो हमारे चिकन एरिया में जा सकती है? जा सकती है, वो काफी फ्रेंडली है, वो चूचू के साथ रह सकती है तो किसी के साथ भी रह सकती है। टिक्की जिसको हमने लंज से रेस्क्यू किया था और इसके पिछले पैर में हमने एम्पुटेशन सर्जरी की थी क्योंकि इसके पिछले पैर में एक हील फ्रैक्चर था और इसकी एक टांग आधी कटी हुई थी। सर्जरी सक्सेसफुल रही, डॉग की स्पेस सर्जरी भी हो गई और अब ये पूरी तरीके से हील हो चुकी थी, हमने आज सुबह ही इसको रिलीज कर दिया है।
फालूदा जिसको हमने नूरपुर से रेस्क्यू किया था, इसके पिछले पैर में वायर ट्रैप की वजह से एक बहुत बड़ी इंजरी थी। जो हमारी कॉलर थी सुनीधि, उन्होंने वायर तो निकाल दिया था लेकिन डॉग बहुत दिन से उस वायर ट्रैप में था, इस वजह से उसके पैर में गैंग्रीन का इशू होने लग गया था, वो पैर सड़ने लगा था। हमको एम्पुटेशन सर्जरी करनी पड़ी। हाँ, इसकी स्प्रे हम पहले ही कर चुके थे। अब डॉग पूरी तरीके से हील हो चुकी थी और आज सुबह हमने टिक्की के साथ ही इसे भी रिलीज कर दिया। मुझे वो जर्मन शेफर्ड का बता दो कि उसका क्या सीन है। मुझे नहीं पता था कि उसको डॉग बाइट्स हैं इसलिए आया, मुझे तो ये पता था बस वो अबैंडनड है। अबैंडनड तो था ही, साथ में इतने सारे डॉग बाइट्स थे बॉडी में और सीवियर थे ना, पैर के बीच वाले हिस्से में भी काफ़ी ज़्यादा वूंड था और डीप था, इस वजह से थोड़ा रिकवरी में टाइम लग रहा है उसको। मुझे तो लगा इतना बड़ा है ये लोगों को काटता होगा डॉग्स। नहीं नहीं, बड़ा फ्रेंडली डॉग है। हाँ, डॉग्स और दूसरे एनिमल्स को लेकर बिल्कुल फ्रेंडली नहीं है, अदरवाइज ही इज़ फाइन, लेकिन यंग है काफ़ी, इस वजह से थोड़ा सा ज़्यादा फाइट्स में इन्वॉल्व हुआ होगा और बहुत ज़्यादा डॉग बाइट्स हैं इसको। न्यूटर कर दिया इसको हमने। नहीं सर, अभी इसकी शेड्यूल कंप्लीट हुई है और जो डॉग बाइट है वो पैर के बीच वाले हिस्से में भी है, तो अभी करना ठीक नहीं है उसको। एक बार ये पूछते हैं, रिकवर कर जाता है हम इसको न्यूटर कर देते हैं, फिर हम इसको अडॉप्शन के लिए लिस्ट करेंगे हमारी वेबसाइट पे peoplefarm.org/adopt। तो अगर आप दिल्ली में हैं, चंडीगढ़ में हैं, हिमाचल में कहीं पर भी हैं, तो प्लीज़ इसको अडॉप्ट करने के लिए कॉल करिएगा। आप कह रहे थे कि इसका रखने का खर्चा थोड़ा ज़्यादा है। ब्रीड डॉग्स में एक सर्टेन एज के बाद इश्यूज आते हैं, जॉइंट सप्लीमेंट शुरू करने होते हैं, इनको बहुत सारे विटामिंस चाहिए होते हैं जो कि इनका रिक्वायरमेंट बहुत अलग है और एक्सपेंसिव है थोड़ा सा। मेरे हिसाब से तो ब्रीडिंग वैसे ही महापाप है क्योंकि सड़क पे इतने कुत्ते हैं और फिर भी लोग और कुत्ते पैदा करा रहे हैं बेचने के लिए, मतलब मेरी तो ये समझ से बाहर है बात। खैर, इंडिया में तो ब्रीडिंग वैसे ही बड़ी अनएथिकल तरीके से होती है, भाई मदर और सन को क्रॉस करा दिया, ब्रदर और सिस्टर को क्रॉस करा दिया, तो उससे बड़े सारे जेनेटिक इश्यूज भी आ जाते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो इसको आपने अडॉप्ट करना है तो ये याद रखिएगा कि आगे जाके आपके वेटनरी बिल्स बड़े होंगे। दुलारी को आपने सरा से वापस लाना था वो नहीं सर, मुझे तो जब लगा कि उसको कंडीशन खराब हो रही है हमने डिसाइड किया लाना है, तो हम जब उसको लेने गए थे तो पता चला कि उसके एक शाम पहले उसकी मौत हो गई थी। हमने दुलारी को सरा क्यों छोड़ा था बजाय कि जहाँ से आई थी? जो उसके कॉलर्स थे, जो जिन्होंने हमें बताया था, उन्होंने खुद अपने तरफ से सारा कुछ अरेंजमेंट किया था, पूरी बात की थी सरा में और उन्होंने खुद जाके उसे वहाँ पर ड्रॉप। कितना टाइम ट्रीटमेंट चला इसका यहाँ पे? 1 month। और सरा गए हुए कितना समय हुआ? 1 month हुआ होगा सर अभी। तो एक महीना हमने ट्रीट किया उसको, गौसदन में रिलीज किया और वहाँ पे वो जाके गाय ख़त्म हो गई। मुझे ना इसीलिए गौसदन जो है ये कोई समाधान नहीं लगता कि भाई डेयरी वाले छोड़ते रहें, ठीक है, यहाँ पे फिर हम फार्मर जो हैं कंप्लेन करते हैं, उनको ले जाके गौ को गौसदन में भर दिया, वहाँ पे वो ख़त्म हो जाती है 4-6 महीने में, वहाँ जगह बन जाती है, डेयरी वाले फिर छोड़ते हैं, फिर उनको पकड़ते रहो, बस ये साइकिल चलता रहता है। ये कोई सोल्यूशन थोड़ा है, मतलब इसमें तो गाय सफ़र कर रही है। पहले भी वहाँ पे 2 गाय गई थी हमारी सरा गौसदन, वो जिनके पैर ऐसे थे। हाँ, वो ठीक है? एक तो ठीक है और एक की थोड़े दिन पहले डेथ हो गई बताया उन्होंने। मुझे नहीं पता इसका क्या समाधान है। एक और केस आया था, वो ग्रे डॉग है, उसके पैर में चोट लगी हुई है। सर, ये नज़दीकी एरिया से हमें कॉल आई थी, हम तो ट्रीट ऑन स्ट्रीट करने जा रहे थे जगह के अकॉर्डिंग, लेकिन वहाँ जाके देखा तो उन्होंने बताया कि 2 दिन से कंटिन्यूस रो रहा। सॉरी, ट्रीट ऑन स्ट्रीट मतलब कि भाई अगर कोई केस है जिसको हम यहाँ नहीं ला सकते, हमारे पास जगह भरी हुई है, तो वहाँ पे जो भी केयर टेकर होते हैं, फीडर होते हैं, उनकी मदद से हम ट्रीटमेंट वहीं पे ऑन साइट ही कर देते हैं। तो ये केस में हमने जब जाके देखा तो उसके ऑलरेडी पैर में स्प्लिंट की हुई थी जो कि पुरानी थी, और उसके पैर में नीचे वाले हिस्से में पंजों के बीच में एक बहुत गहरा मैगेट पॉइंट हो गया था। किसी ने की होगी ट्रीटमेंट लेकिन उसको रीचेक नहीं किया गया है, और इतना टाइट उसका स्प्लिंटिंग किया हुआ था कि उसका सब ब्लड सर्कुलेशन रुका होगा, जिसकी वजह से पेन हुई होगी और इसलिए वो कंटिन्यूसली 2 दिन से रो रहा था, जबकि वो यहाँ पर जब से आया है बिल्कुल शांत और कोऑपरेटिव और बहुत प्यारा डॉग है। तो स्प्लिंट की वजह से स्वेलिंग आ गई थी उसके पैर में? स्वेलिंग तो नहीं आई है सर, क्योंकि हिस्सा ही नहीं दिख रहा था। अभी उसको पालमपुर भेजा है एक्सरे के लिए, पूरी पैर कवर्ड थी ना उसकी स्प्लिंट से। हाँ। कब से ये नहीं पता? नहीं, कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि किसी ने चेक तो नहीं किया, क्योंकि अगर चेक किया होता तो पैर का जो घाव है इतना गहरा वो भी देखते, क्योंकि स्मेल आ रही थी बहुत ज़्यादा। बाप रे, ऐसे ही एक गाय जो है सरा गौसदन में थी, वहाँ पे कोई स्प्लिंट तो कर गए थे और हमें तब फोन आया था जब पैर उसका गिर गया। डोलू जिसको हमने रजौल से रेस्क्यू किया था, उसकी टेल इंजरी की वजह से उसकी एम्पुटेशन हमने अगले दिन कर दी थी, उसकी हमने पिंस निकाल दी हैं क्योंकि इसमें हमने स्टेपल्स यूज़ किए थे वो हमने रिमूव कर दिए हैं, और अभी उसकी हीलिंग काफ़ी अच्छी हो चुकी है। जो स्कैब्स बचे हैं उसकी हीलिंग का हम वेट करेंगे और कुछ दिन में इसको हम रिड्यूस कर सकते हैं। तो ये जो मेरे पीछे है ये इस समय अस्पताल की एंट्रेंस है, इस समय छत का यहाँ पे काम चल रहा है, और गुरु के पीछे, गुरु एक भाई कैमरा घुमाओगे तो यहाँ पे हमारा
काउ शेड बनेगा, इसकी मार्किंग हो गई है, बस अब इसकी नींव का काम बहुत ही जल्द चालू हो जाएगा। दौलत राम जी, आप इसको पकड़ेंगे तो मैं अंदर का टूर भी दे देता हूँ। बेटी जी, बेटी जी, तो इस समय रखी है बिगड़ल। मैं आपको अंदर के सारे विंग्स दिखाता हूँ। तो एंट्रेंस हमने इसलिए बड़ी रखी कि भाई कोई जो गाय है उसको हॉर्स पे भी लाना ले जाना है, दो गाय भी इकट्ठी आ रही हैं तो आसानी से आ जाएं। घुसते ही हमारा वेटिंग एरिया रहेगा और ये दो विंग्स में विभाजित है। उधर जो है गाय का ट्रीटमेंट रहेगा, लार्ज एनिमल्स का, और मेरे सीधे हाथ पे होगा जो सारा स्मॉल एनिमल विंग रहेगा। तो सर्जरी रूम वगैरह जो उनके हैं वो इस साइड है। यहाँ पे कैटल क्रश बनेंगे भाई, जहाँ पे गाय बंद जाएंगी, रुक सकती है, क्योंकि यहाँ पे ओपीडी भी होगा, लोग भी अपने पशु यहाँ पे ला सकते हैं। हम अभी फार्म पे भी 50 रुपये का एक नॉमिनल कंसल्टेशन फी लेते हैं और उनका इलाज करते हैं। इस समय अंदर यहाँ पे क्या हो रहा है, ये प्लास्टर हो रहा है। तो हमने क्या किया कि टाइल का खर्चा बचाने के लिए ना, जैसे DDA फ्लैट्स में आप देखेंगे कि दीवारें बाथरूम में ऐसे चिकनी रहती हैं, तो हमने 3 फीट तक हमने दीवारों को चिकना रखा है ताकि हम आराम से वॉश कर सके। फर्श पे भी हम यही ट्रीटमेंट करेंगे। हमारे केनल्स के हमने 3 अलग अलग विंग्स बनाए हैं भाई, बड़े सारे डॉग्स एक जगह कॉन्सेंट्रेटेड ना हो ताकि भाई हल्ला ना मचे। यहाँ पे हमारी छत का काम चल रहा है, तो ये जो बन रहा है इसको ट्रस या हम कैचियाँ कहते हैं, ये बन रही है। इसके ऊपर आएगा बोर्ड, आएगा इंसुलेशन, आएगी और सबसे टॉप पे आएंगे स्लेट। केनल्स हमारे फार्म जैसे ही हैं, एक इंडोर रूम है, बेडरूम जहाँ पे डॉग्स सोएंगे, और फिर उनके पास आउटडोर एरिया है, भाई अपना पी करना है, पू करना है, ये जो सारा है यूटिलिटी एरिया है। तो जैसे किचन यहाँ पे हो गई, लॉन्ड्री यहाँ पे हो गई, और इसके बीच में यहाँ पे ग्लास विंडो आएगी ताकि इन डॉग्स पे बराबर से नज़र रहे। ये हमारे 2 केनल के विंग और हैं, एक अंदर है एक बाहर है। तो मेरे लेफ्ट पे इस समय जो है ना, ये हमारा रेस्क्यू इक्विपमेंट रूम रहेगा कि भाई जो सारे नेट्स हैं, कैचर्स हैं, केजेस हैं, वो यहाँ पे रहेंगे। अस्पताल के सामने ही पार्किंग है कैमरे के ठीक पीछे, और यहाँ पे रेस्क्यू व्हीकल होगी, कोई रेस्क्यू कॉल आती है यहीं से व्हीकल डिस्पैच होगी। और जो हमारे केनल्स का बाहर वाला विंग है, यहाँ पे सीधा आके फर्स्ट एडमिशन होगा जो भी एनिमल आया होगा। तो अब देखते हैं, अगर हमें आप लोगों की बराबर से सपोर्ट मिलती रही जिस तरह से मिल रही है, तो 11 और महीने में हम इस अस्पताल को शुरू कर देंगे। इसकी कुल कैपेसिटी 90 से लेकर 100 पेशेंट्स की होगी। एक बात जो मैं और करना चाह रहा था ना, वो ये था कि भाई अगर मुझे पीपल फार्म शुरू करने से पहले पता होता कि पीपल फार्म इस तरह का हो जाएगा, भाई 50 लोगों की टीम होगी, हम अस्पताल खोल रहे होंगे, हम रेस्क्यू चला रहे होंगे, साथ ही में मीडिया भी होगा, साथ ही में प्रोडक्ट्स भी होगा, इतनी कम्युनिकेशन होगी, तो शायद मैं ये शुरू ना करता। क्योंकि जो मेरे जैसे लोग होते हैं ना, वो बड़े स्टेप से डर जाते हैं। लेकिन अगर हम सपना देखें, भाई कुछ करना है तो बड़ा ही करना है, और नेचर मेरे जैसी है, तो फिर हम अटक जाते हैं, फिर हम कुछ नहीं करते। तो मेरे जैसे लोगों को ये करना चाहिए कि जो हमारे बस में है ना, जो सामने दिख रहा है वो कर लेना चाहिए। भाई ये डॉग दिख रहा है, इसको चोट लगी है, हमारे बस में है कि कोई कॉटन ली, बीटा दीन ली, उसका वुंड साफ कर दिया। भाई एक बैल दिखा, घर में जगह नहीं है, भाई चलो तरपाल लगा के ट्रीटमेंट कर दिया। तो पहला कदम ले लेना चाहिए, और फिर राम जी की कृपा से आगे का रास्ता खुद ब खुद साफ हो जाएगा।